आज का रात्रि क्लास है 27-8-64 रावण की जंजीरों से छूट गए हो या छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो? क्या समझते हो? बुद्धि का योग तो जा रहा है इस दुनिया से, इस दुनिया से तो दिल हट गई है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि अब तो जाना ही है बाप के घर, बल्कि जा रहे हैं ऐसा कहेंगे। तुम बच्चे समझ सकते हो कि बरोबर हम रावण की जंजीरों में जकड़े हुए थे, दुनिया में ऐसा कोई जानता नहीं है, भले दुखी है कि हम रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उसमें भी कोई अपन को दुखी समझते हैं, कोई सुखी समझते हैं। बाकी ये बुद्धि में है कि रावण के राज्य से अभी अपना स्वतंत्र राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। जैसे ये कांग्रेसी लोग वाले पहले ये परतंत्र थे, क्योंकि फॉरेन का रूल था, अभी ये अपन को समझते हैं कि हम उनसे स्वतंत्र हो गए हैं। और पांडव बच्चे कहते हैं कि हम तो बेहद फॉरेन के रूल में थे, यानी रावण के रूल में थे। क्योंकि ये फॉरेनर्स तो पीछे आते हैं, पहले तो यहाँ राम का राज्य रहता है, पहले भारत स्वतंत्र रहता है, पीछे राम के राज्य में। जैसे वो कहते हैं फिरंगियों के राज्य में परतंत्र होकर पड़े थे, फिर बच्चे समझते हैं, जानते हैं कि हम माया की परतंत्रता में थे। क्योंकि माया का राज्य तो भारत में इन पार्टिकुलर कहेंगे खास, और दुनिया में इन जनरल कहेंगे कि रावण राज्य है। परंतु दुनिया नहीं जानती है कि हम कोई रावण राज्य में हैं, क्योंकि भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य है। ऐसे होने के कारण भारतवासियों को समझना है, परंतु भारतवासी तो कोई समझते नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी हम जो आधा कल्प परतंत्र थे, सो अभी स्वतंत्र बन रहे हैं। वो हद की बातें हैं, ये बेहद की बातें हैं। हद की बातों से भी बापू, जिसको गांधी कहते हैं, जिन्होंने मदद करके और मदद ले करके भी कांग्रेसी भी को भी चलाया, यहाँ बाप आते हैं और बच्चों की मदद लेकर के राम राज्य स्थापन करते हैं, वो भी उनको बापू कहते हैं।
और तुम भी उनको बेहद का बाप कहते हो। वो हद का है सिर्फ भारत का, सो भी वास्तव में बापू है नहीं, कहते हैं उनको, क्योंकि यहाँ बापू कहने का बहुत में रिवाज होता है। मेयर को भी बापू, फलाने को भी बापू कह देते, साईं बाबा कहते हैं ना। अभी साईं बाबा तो कोई है नहीं, ना वो साईं बाबा है और ना वो बापू है, ये तो सब गपोड़े हैं, ये तो बच्चे जानते हैं कि बरोबर हमारा बाबा हमको अभी स्वतंत्र बनाते हैं। देखो अभी आत्मा कितनी खुश होती है, खुशी होनी चाहिए ना। जैसे वो सभी कांग्रेसी जानते हैं गांधी बापू ने हमें फिरंगियों से स्वतंत्र कराया, वैसे तुम सब ब्राह्मण जानते हो कि अभी बेहद का बापू जी हमको माया से स्वतंत्र बनाते हैं। रावण के राज्य से स्वतंत्र बनाए, फिर से अपना राज्य दिलाते हैं। स्वात्मा को राज्य दिलाते हैं, अर्थात सच्चा सच्चा स्वतंत्र बनाते हैं। तो ये हुई विचार सागर मंथन करने की बातें, जो हरेक को अपने आप से करना चाहिए, हरेक अपने दिल से कहेंगे कि बरोबर हम माया के राज्य से स्वतंत्र बन रहे हैं। अभी माया के राज्य से स्वतंत्र सिर्फ तुम समझ सकते हो, परंतु भूल जाते हो, क्योंकि यहाँ की जो भी बातें होती हैं वो बहुत भूल जाते हैं। बाप को ही भूला जाता है, टीचर को ही भूला जाता है, और गुरु को ही भूला जाता है। तो ये भी बात घड़ी घड़ी भूल जाती है कि हमको बाबा भी इस माया के राज से स्वतंत्र बनाए रहे। अभी तो हम घर जाएंगे स्वतंत्र होकर के राज्य करेंगे, बाद में कोई भी हमको दुख देने वाला नहीं रहेगा, हम कोई भी हालत में दुखी नहीं होंगे, ये तो नहीं है कि कोई के राज्य में हूँ। ये तो स्वतंत्रता का राज्य है, अर्थात आत्मा का राज्य है, दुखी तो नहीं रहेंगे। 27:8-64 की वाणी का दूसरा पेज। तुम अभी राज्य अपना स्थापन करते हो, और कोई को भी कह सकते हो कि रावण पर जीत पहनकर हम जो स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, फिर हम बिल्कुल ही अकेले और अद्वैत यानी दैवी राज्य में होंगे, अर्थात वहां कोई दूसरे का राज्य नहीं होगा, एक ही राजा होगा।
इसको ही कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर द्वैत राज्य आता है तो द्वापर कहा जाता है। द्वैत राज्य माने दो दो का राज्य। फिर बल दो से चार, चार से आठ राज्य बढ़ते जाते हैं। अद्वैत माना कोई दूसरा नहीं, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। सो भी पवित्र डबल सिरताज, पीछे जब आते हो तो अपवित्र सिंगल ताज, उसको कहते हैं डबल ताज। बरोबर डबल ताजधारी थे, क्योंकि भारत में सिंगल ताज वाले राजा हैं, डबल ताज वालों को पूजते आए हैं। कौन सा डबल ताज? एक तो ताज होता है स्थूल, कहेंगे बड़े राज्य की जिम्मेवारी का ताज, और दूसरा ताज होता है पवित्रता का। जो पवित्रता की लाइट मुखमंडल के चारों ओर दिखाई जाती है, तो सब भारत में है। सिंगल ताज वाले भी हैं, डबल ताज वाले भी हैं। तो अभी वेद का बाप आकर के भारत को इतना सभी जंजीरों से छुड़ाते हैं। ऐसे नहीं है कि बाप ब्रह्मा के तन में आते हैं फिर चले जाते हैं, बाद में तुम अपने आप छूटते रहते हो। और ये रावण की जंजीरें तो हैं ही, देखो जब ये कर्ज भी लेते हैं तो भी ऐसे कहते हैं कि हम कर्ज लेते हैं, फिर हमको कोई स्ट्रिंग्स न हो। अगर समझो कि हमको पैसा देना है, जैसे यहाँ साहूकार लोग, वो तो हिंदी लिखते हैं और फिर उनको भरना पड़ता है, नहीं तो इज्जत चली जाए। तो ऐसे ही आजकल जो लोन लेते हैं तो कोशिश करके ऐसे लेते हैं कि ऐसा ना हो कि हमको फंसाए देवे, स्ट्रिंग्स रहे जो हमको देना ही पड़े। इसलिए कहते हैं यदि लोन लेवे तो उसमें अगर थोड़ा भी यहाँ वहाँ हो जाए तो पीछे उनको तंग न किया जाए, उसको स्ट्रिंग्स कहते हैं। और फर्क तो तुम बच्चे अभी जानते हो, अभी बच्चे जान गए हैं कि हम कितने स्वतंत्र, कितने धनवान थे। अभी तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण ही कहेंगे और कोई थोड़े ही कहेंगे, और ये ज्ञान भी ब्राह्मणों को ही मिलता है। उसमें भी देखो कितने नंबरवार हैं, कितने नंबरवार हैं ब्राह्मण। भक्ति मार्ग में तो उन ब्राह्मणों की नौकरियां दिखाते हैं,
वो नौकरियां ब्राह्मणों की कहाँ की यादगार है? यही जो मुख्य मुख्य नौ धर्म है, उन मुख्य धर्मों के नौ प्रणेता हुए ऋषि मुनि, जिनके नाम पर ये नौ कुरियां गाई हुई हैं। तो नंबर वार है अगर नंबर वार नहीं होते सब अब्बल नंबर होते तो वास्तव में अभी कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी लॉटरी मिल रही है। सेंट लीजियस स्वीप होती है वहां विलायत में तो बहुत मिलते हैं, 10-10 लाख रुपए मिलते थे स्वीप में फर्स्ट टिकट। तो ये भी घुड़दौड़ थी और ये भी अश्वों की रेस है। मन बुद्धि को ही अश्व कहा जाता है, तो इसमें अगर जो अच्छी तरह से बिन करके दिखाएं तो कौन से वंश के मालिक बन सकते हैं? कुरियां तो ब्राह्मणों की नौ हैं, लेकिन जो अच्छी तरह से रेस करते हैं वो सूर्यवंशी कुरी के मालिक बन जाते हैं। ये रेस कितनी बड़ी है, इसको कहा जाता है अश्वों की रेस। क्योंकि नाम भी है ना, राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्व का राज्य लेने वाला और मनरूपी घोड़े को हवन करने वाला यज्ञ है। इच्छा मात्रम विद्या होना है, कोई भी संकल्प विकल्प नहीं। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाए और कोई भी संकल्प नहीं, निसंकल्प, उसे कहते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। जो अश्वमेध यज्ञ है ये अश्व के ऊपर फिर एक दूसरा भी यज्ञ है जिसको दक्ष प्रजापति का यज्ञ कहा जाता है। जिसमें घोड़े को स्वाहा करते हैं, अभी तो ये घोड़े को स्वाहा नहीं करना होता है, इसमें तो मनुष्य अपने को स्वाहा करते हैं। कथाएं तो बहुत है ना भक्ति मार्ग में। अभी तुमको कोई भी कथाएं सुनने की कोई दरकार नहीं है, देखो भक्ति मार्ग में कितना अति चार धक्का खाना होता है।
सुनना मंदिरों में जाना अभी तो ये तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं बस चुप हो जाओ, ये माला फेरना या जाप भी नहीं करना होता है। अजपायाद जाप भी नहीं, क्योंकि अजपा जाप होता ही नहीं है। दूसरा कोई राम राम जाप करे भले आवाज नहीं करते हैं तो भी अंदर में जाप चलेगा, तो भी सूक्ष्म हो जाएगा। यहां तो वो सूक्ष्म तक भी नहीं चाहिए, बिल्कुल चुपचाप। तो देखो ऐसी याद हो जाएगी, अंदर में भी कुछ भी बुनबुन नहीं करेंगे। ये बुनबुन तो सूक्ष्म बतन में होती है, यहां तो टाकी है और वहां बुनबुन। तो ये बुनबुन भी नहीं, बिल्कुल चुप। देखो भक्ति मार्ग में कितना धक्का खाते हैं और यहां बिल्कुल चुप। बाप को और वर्षे को याद करते रहो, अभी कोई कितना अच्छी तरह से धारण करे समझे और औरों को भी समझावे। समझने और समझाने वालों को ठंडी वंडी तो नहीं लगती है? कहते हैं ना यहाँ ठंडी है वहां गर्मी है, यहाँ आते हैं तो उनकी खातिरी भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो बच्ची ठीक से खातिरी करती हो, पूछती हो कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि तुम उनकी अच्छी संभाल करेंगे तो वो भी तुम्हारी वहां अच्छी संभाल करेंगे, नहीं तो घास लेट भी खिलाएंगे। यहां तो घास लेट की नदियां बहती हैं, और वहां तो अभी घी की नदियां बह रही है ना। जब कहा जाता है कि वहां घी की नदियां बहेंगी तो जरूर यहां घास लेट ही होगा। सत्ताईस आठ चौसठ की वाणी का तीसरा पेज। गाया जाता है कि गरीब लोग बहुत शांतिकारक होते हैं, उसमें भी जो बाहर के गांवड़े वाले लोग होते हैं ना वो बड़े सुखी बहुत अच्छे रहते हैं, और साहूकार तो तमाशा नाटक वगैरह देखते हैं तो वो देख देख करके गंदे हो जाते हैं। गरीब इतने गंदे नहीं होते हैं जितने साहूकार बहुत गंदे होते हैं। यहां तो बहुत ग्लानी की है, ये शास्त्रों से बहुत गंद सीखे हैं,
क्योंकि पहले नंबर में कृष्ण जो इतना फर्स्ट क्लास बच्चा है उनके लिए ठक से कह दिया एकदम नंबर वन चोर। नारायण के लिए नहीं कहते हैं, नारायण को एक स्त्री और कृष्ण को बहुत स्त्रियां दिखाई हैं। देखो कितनी ग्लानी की है। तो समझते हो बच्चे, समझाए भी सकते हो कोई को, कितनी मूर्खता की और नॉनसेंस बातें लिख दी है। श्री लक्ष्मी को एक नारायण और नारायण को भी एक लक्ष्मी, फिर वहां कृष्ण को इतनी स्त्रियां दिखाई दी। अब ये कहां की बातें हैं, बातें तो सारी संगम युग की है ना। बच्चा बुद्धि है तो अनेक रानियां, बड़ा होता है समझदार होता है तो एक लक्ष्मी। कृष्ण बच्चा ही तो बड़ा होकर के नारायण बनता है ना। अभी देखो समझने की ये बात तो बड़ी सहज है, और शास्त्रों से तो एकदम पता नहीं पड़ता था। ये जो बातें भक्ति मार्ग के शास्त्रों में हैं, उन बातों को क्लियर करके बाप आकर के समझाते हैं। मनुष्यों ने तो और ही अगरम बगरम टीकाएं लिख दी हैं, जिन्हें सुन करके पढ़ करके तुम कितने बेसमझ बन गए। बच्चे पूछते हैं बाबा हम कैसे बेसमझ बन गए, तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा अनुसार ये वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद यज्ञ तप दान पुण्य करके देखो तुम कितने मूर्ख बन गए हो। गीता भी पढ़ी है ना, तो गीता पढ़ते पढ़ते भी कितने मूर्ख बन गए। कितना मूर्ख बनाया है इन टीकाकारों ने। परंतु गीता में तो भगवान वाच ही कहते हैं ना, भगवान एक और टीकाएं अनेक हो गई। तो वो गीता पढ़ते पढ़ते तुम कंगाल बन गए। अभी तो ये बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं। जैसे वो धर्म पिताएं आए तो उन्होंने कोई बाइबल कुरान आदि थोड़े ही लिखी, तो डायरेक्ट उन्होंने सच्चा सच्चा सुनाया। वो अपने तरीके से सच्चा सुनाया। बाद में उनके शास्त्र बने। यहां भी तुम मुख्य गीता को उठाएंगे
और गीता के साथ हैं ये दंत कथाएं। शास्त्र उपनिषद आदि उनके बाल बच्चे और उन शास्त्रों आदि में कुछ भी नहीं है। अगर होता तो ये समझा देते ना। कि रचयिता कौन है और रचना क्या है, रचना का ड्यूरेशन क्या है, ड्रामा अनुसार तुम बच्चे बहुत ग्लानी करने लग पड़े। तुम ही ग्लानी करने के बहुत निमित्त बनते हो और तुम ही भगवान की ग्लानी को गायन में परिवर्तन करने के निमित्त बनते हो। तो तुम बच्चे कहते हो ना, हमारा दोष क्या है? तो बाबा कहते हैं हाँ बरोबर, ये तो ठीक है कि तुम ड्रामा के अनुसार बिल्कुल ही पतित बन गए। तो दोष किसका हुआ है? ड्रामा का। ड्रामा तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो और ड्रामा की तो शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है और रिहर्सल करने वाले कौन? तुम ब्राह्मण बच्चे ही तो रिहर्सल करने वाले हो ना। बाबा कहाँ कहते हैं कि तुम्हारा दोष है, परंतु अब तो आओ ना। अब आओ, हम तुमको पावन बनाते हैं। उन गुरुओं ने तो तुमको पतित बनाया, वो पतित बनाने वाले हैं अनेक और पावन बनाने वाला एक, ये तो ठीक है। फिर भी ऐसे ही बनेंगे ड्रामा अनुसार। हाँ बरोबर, तुम्हारा दोष नहीं है। चलो बाबा कहते तो कुछ भी नहीं है, ये तो ड्रामा अनुसार होना ही है। तुमको ड्रामा अनुसार तमो प्रधान बनना ही है, पर अभी आओ ना, हम तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। इसीलिए तो भक्ति की ग्लानी की जाती है ना। क्योंकि भक्ति तमो प्रधान बनाती है, भक्ति अनेकों से आती है। रावण के अनेक सिर है ना, तो कहा जाता है दुर्गति दाता और सदगति दाता। दुर्गति दाता अनेक और सदगति दाता एक। सदगति राम करते हैं, दुर्गति रावण करते हैं। तो रामलीला दिखाते हैं, राम को एक सिर और रावण को अनेक सिर। अच्छा, सदगति मिले वो तो तब मिले जब कोई दुर्गति में आवे, तो ये खेल हुआ ना।
दुर्गति में जाना जरूर है। और फिर बाबा आकर के सदगति ले आते, तो एक बाबा ही तो सत्य हुआ ना। सत्य बाबा आकर के सतयुग स्थापन करते हैं, उसको सदगति कहा जाता है। और ये फिर कहते हैं बरोबर ड्रामा में ऐसा, सो तो लिखा हुआ है गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, सतो प्रधान सतो रजो तमो, वो तो बनना ही होता है ना, क्योंकि दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। तो ड्रामा अनुसार ऐसे बने हो ये तो ठीक है, अभी फिर ड्रामा अनुसार चलो, आओ राजयोग सीखो, और राजयोग सीख करके फिर चलो गोल्डन एज में। तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़े ना। वो तो ठीक है, तो ऐसे नहीं कहते हैं कि तुमने कोई भूल की है, नहीं कहेंगे ड्रामा अनुसार तुमको नीचे जाना ही है। फिर भी ऐसे ही आएंगे, परंतु आवे जबकि तुमको ड्रामा का राज बताया, आगे थोड़े ही ऐसे जानते थे। जब ड्रामा का राज बताया है तो अभी फिर से चलो, आओ और बाप से वर्षा ले लो। अच्छा मीठे मीठे शिकील ले लकी ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 28/8/64 शुक्रवार, रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ये गीत इस समय ज्ञान मार्ग का है, ये ज्ञान मार्ग की गली है, जो फिर भक्ति मार्ग में गीत में गाते हैं, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। और बरोबर इस समय में जब तुम बाप के पास आकर जीते जी मरते हो, तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दुनिया की अनेकों गलियों में भटकना ही बंद हो जाता है। क्योंकि जब अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं, तो जिस दुनिया में उनका फिर जन्म है वो दुनिया तो कायम है ना, और तुम बच्चे जब बाप की गोद में आते हो
तो ये दुनिया सारी खत्म हो जानी है। दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुनिया भी रास्ते भी खत्म हो जाएंगे। फिर इसे कहते हैं आप मुए पीछे मर गई दुनिया। तो तुम बच्चे जीते जी मरते हो पुरानी दुनिया से और नई दुनिया में बाप के पास आकर जन्म लेते हो। तो दुनिया अब मरती है आगे ऐसे कहावत है कि आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया थोड़े ही मरती है। दुनिया नहीं विनाश होती है क्योंकि उसी दुनिया में उनको जन्म लेना पड़ता है। ये तो अभी इस समय की बात है। इस समय में जब तुम बाप की गोद में आते हो पुरानी दुनिया से इस देह से देह के संबंधियों से देह के पदार्थों से जीते जी मरते हो। बल्कि जब मरेंगे भी तो ये दुनिया भी मर जाएगी। आप मुए पीछे मर गई दुनिया। अब जब जीते जी मरते हो तो फिर जानते हो ये सारी दुनिया खत्म होनी है। हम आते हैं बाप की गोद में फिर हम आएंगे नई दुनिया में देवताओं की गोद में। ये बातें तुम जानते हो और तो कोई मनुष्य नहीं जानते। और ये भी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो ईश्वरीय गोद में आने के कारण। ईश्वर का बच्चा होने से फिर हमको सतयुग का बर्थ राइट मिल जाता है। क्या बर्थ राइट मिलता है? स्वर्ग की बात सही। तो नरक मर जाता है ना। अच्छा अब इसमें तुमको कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है? बात तो जब कोई मरते हैं तो उनको सिर्फ ऐसे ही कहा जाता है। फिर भी उनको भी ये जरूर कहा जाता है राम राम कहो राम कहो। जब भी कोई मरते हैं तो कोई के ऊपर ले जाते हैं तो भी कहते हैं राम नाम सत्य है। जब भी राम नाम कहते हैं तो भगवान को ही बोलते हैं। और राम कोई रघुपति वाला नहीं है। राम नाम सत्य है अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उनका ही नाम लेना चाहिए। उनको ही राम कह देते हैं। पिछाड़ी में भी जब कोई मरते हैं तो भी उनको कहते हैं राम राम कहो राम कहो। और अक्सर करके तुम बच्चे देखेंगे कि माला भी जब सिमरी जाती है तो ऐसे राम राम करेंगे। ऐसे बजेंगे जैसे कि कोई मजा जैसे कोई बाजा बजाता है। तुम लोगों ने ये देखा नहीं है। बाबा तो अनुभवी है।
सितार पर जब बैठ करके वो राम राम कहते हैं, जैसे कि एक बजे बाजा बाजा राम राम का बजा। अब राम तो जरूर परमपिता परमात्मा के लिए कहेंगे ना, उस राम को तुम थोड़े ही कहेंगे। अच्छा, वो भी फिर राम राम कहते हैं, या तो तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, आवाज ही नहीं करना है, और तुम जानते हो कि बरोबर ईश्वर की गोद में आने से जीते जी फिर ये दुख रूपी जो दुनिया है, पुराने दुख के बंधन है, वो सब खत्म हो जाने वाले। और हे बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। तो मरना तेरी गली में, ये गाते आते हैं। परंतु वास्तव में वो कोई गली नहीं है, गली कहो रास्ता कहो, पाथ कहो, परंतु नहीं, हम तो आपके ही गले का हार बनते हैं। किसके गले का हार? बरोबर गाया जाता है रुद्रमाला, बाप के गले का हार जिसको जपा जाता है, राम माला नहीं कहेंगे, बरोबर गाया जाता है रुद्रमाला, उसको जपा जाता है, राम माला नहीं कहेंगे, कृष्ण माला भी नहीं कहेंगे, और रुद्र माला कहेंगे। और रुद्र कहा ही जाता है भगवान को, और तुम बरोबर रुद्र माला में आवेंगे। रुद्रमारा में पिरोए जाने के लिए तुम इसे रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। अट्ठाईस आठ चौसठ की वाणी का दूसरा पेज। और ऐसे ही बैठे हो जैसे कल पहले मुआफिक बैठे थे, अभी ऐसा तो कोई दूसरा सत्संग नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं वो तो अहम ऑब्जेक्ट होती है, राजनीतिक विद्या पढ़ने के लिए, और यहाँ तो शांति। आज की दुनिया में इच्छाएं ज्यादा बढ़ रही हैं कि द्वापर में इच्छाएं ज्यादा थी कि त्रेता में इच्छाएं ज्यादा थी कि सतयुग में इच्छाओं का अंबार था कि संगम युग में इच्छा मात्र में विद्या बनेंगे है? संगम में बनेंगे। तो ये सबसे ऊंची दुनिया है जहां हमारी कोई इच्छा नहीं, जो बाप की इच्छा सो मेरी इच्छा। और सरस्वती की माता, वो
सरस्वती की माता किसको मानते हैं? एक का नाम लो ना। सरस्वती की माता कौन? सरस्वती बाद में आई या पहले आई? अरे हम जो पूछते हैं वो बताओ, सरस्वती बाद में आई या पहले आई यज्ञ के आदि में? बाद में आई तो किसी ने जन्म दिया होगा ना। जैसे ब्रह्मा को निश्चय बुद्धि कोई ने बनाया होगा ना, बनाया होगा कि नहीं? जिसके द्वारा ब्रह्मा की सोल सरस्वती की सोल निश्चय बुद्धि बनती है वो ही उनके माँ बाप बनते हैं सत्युग में जाकर के। यहाँ शूटिंग हो जाती है। यहाँ पे किसको माने हैं माता? अरे राधा कृष्ण को जन्म कौन सी माता देगी? अरे सत्युग में कोई माता राधा कृष्ण को जन्म देगी या नहीं देगी? अरे नहीं मालूम। हाँ तो मेरे भी कहने का मतलब है। सरस्वती और ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा बूढ़े थे और मम्मा 14-15 साल की यज्ञ में आई थी और बहुत ज्यादा तीखी थी। मम्मा की बुद्धि ने कैच किया, उसके साथ ही साथ उस निश्चय बुद्धि की बात को बाबा ने भी कैच कर लिया। इसलिए सतयुग में दोनों का जन्म साथ साथ होगा। तो कोई ने तो निश्चय बुद्धि बनाया होगा। हाँ जी, आने के बाद जो हमारा हिसाब किताब बचता दुनिया वालों के साथ में, परिवार वालों के साथ में, वो अपने को पूरा करना चाहिए कि सिलेंडर हो जाना। हैं? दुनिया वाले के साथ में जो हिसाब किताब बचता है ज्ञान आने के बाद, हाँ, वो पूरा करना चाहिए कि सिलेंडर हो जाना। ये तो तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हारा दिल जहाँ बित बित करे वहाँ चले जाओ। जवाबदारी तो दोनों रहेगी ना। जवाबदारी बाबा ने मिसाल दिया मुरली में, जो सन्यासी बन जाते हैं पूरा घरबार छोड़ के चले जाते हैं तो उनके बाल बच्चे बीबी भूख मर जाते हैं क्या? कि उनके रिश्तेदार उनको संभाल लेते हैं? अरे संभालते हैं कि नहीं बोलो? संभालते हैं। तो तुम खक्का सा क्यों बने हुए हो कि हम ही पालन पोषण करने वाले हैं? अरे भगवान आया हुआ है वो सबका देखने वाला है, सारी डोरी ईश्वर के हाथ में है अभी प्रैक्टिकल में। और बाबा के बच्चे तो भूख मर ही नहीं सकते। परिवार का एक व्यक्ति अगर ज्ञान में आता है तो बाबा ने क्या बोला उसके लिए? पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। शरीर से आएंगे या शरीर? नहीं, आत्मा बिंदी उड़ करके आएगी। अभी तो विरोध कर रहे हैं ना? क्या अभी तो ज्ञान का विरोध कर रहे हैं ना? ज्ञान योग कर रहे? विरोध कर रहे। सो क्या हुआ? जब तक विरोध कर रहे हैं तब तक नहीं है। जब तुम्हारे संगी साथी बन जाएंगे, हाँ करेंगे, जैसे बाबा ने वाणी में बोला, तुम गीता के श्लोकों के आधार पर उनको समझावेंगे तो वो समझ जावेंगे। अभी तुम्हारे ब्रह्मा बाबा को झूठा ब्रह्मा मानते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के एक एक महावाक्य को तुम गीता के श्लोकों से साबित कर देंगे, ऊपर बाबा का महावाक्य और मुरली की तारीख और नीचे गीता का श्लोक और फिर उसके बाद उसका अर्थ, तो क्यों नहीं मानेंगे? यज्ञ के आदि में भी गीता के अर्थ बैठ करके बताते थे या नहीं बताते थे? अरे बताते थे।
तो जो आदि में जो अंत में भी होगा। बाबा हाँ, कभी कभी सुबह मुरली सुन सकते हैं या वार्तालाप भी सुन सकते हैं? जैसे हमारी कैसे खराब हो गई मुरली, हम नहीं कर सकते, तो वार्तालाप करें तो मुरली में। आपका सहज राजयोग है, आपको जब सहज लगे तब सुनो। पहले माया का बंधन, पहले माया का बंधन, फिर प्रकृति अपना बंधन बांधना शुरू करते। अभी तो माया ने हाथ मिला ही लिया ना प्रकृति से, तो दोनों पावरफुल हो गए कि नहीं? पहले तो अव्यक्तवाणी में बोला माया हिम्मत हार चुकी है, क्या माया हिम्मत हार चुकी है, और उसके बाद शरीर भी छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं? कोई की जब हिम्मत पस्त हो जाती है और वो बीमार हो, बेड रेस्ट में हो, तो हिम्मत पस्त होने के बाद जल्दी मरेगा या देर में मरेगा? है? जल्दी मर जाता है। तो माया तंग आ गई है, क्या सारे सेंटर वाले कुमार का दादी के सामने पहुंचते थे, दादी मेरे सारे जिज्ञासु टूटे जा रहे हैं, दादी कुछ करो। अब एक को समझाएं, दो को साध हैं, तीन को साध हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो दादी तंग आई नहीं आई है? रोकने की तो बहुत कोशिश की। जैसे कोई सेना आगे बढ़ती है तो चीन की एक दीवार खड़ी कर दी, तो कैसे आगे बढ़ेगी? तो माया ने भी मस्जिद रूपी दीवार खड़ी कर दी, क्या बेसिक वालों के सामने विघ्नों की दीवार खड़ी की या नहीं की? क्या बोला, क्या विघ्न डाला? एडवांस वाले कहते हैं भगवान साकार में आया हुआ है, और दादी क्या कहती थी, ये हो नहीं सकता। अरे भगवान तो ब्रह्मा के तन में आया हुआ था, अब तो ज्ञान सुना दिया, अब सारा काम तो हम करेंगे। त्रिमूर्ति के चित्र भी छपाए दिए दादियों ने अपने, ऊपर शिव ज्योति बिंदु और नीचे तीन दादियां ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो देखो माया ने विघ्नों की दीवार खड़ी की या नहीं की? तो मस्जिद बन गई यादगार। मुसलमान क्या बनाते हैं अपने पूजा स्थल में, हैं? दीवार खड़ी कर देते हैं सामने, उसी की पूजा करते हैं। तो ये बीके वाले किसकी पूजा कर रहे हैं अभी? वहां ब्रह्मा बाबा को ज्यादा मानने वाले हैं या कुमारका दादी को ज्यादा मानने वाले हैं? हैं? अरे अरे पूछो जाके उनसे। अरे भक्ति मार्ग में भी जब द्वापर युग शुरू हुआ तो कौन से धर्म वाले दुनिया में ज्यादा हो गए, किनकी संख्या दुनिया में ज्यादा बढ़ गई? हैं? मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। ये क्रिश्चियन तो अभी 200 साल के अंदर आए, इनकी संख्या बढ़ी, नहीं तो सारी दुनिया में मुसलमानों का राज्य था। माने बेसिक में माया का बंधन नहीं था, माया का बंधन एडवांस में नहीं था, 4 महीने के बाद शुरू हुआ। ओम शांति।